हेलो दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य आज भी मौजूद हैं जो इंसान को हैरान करते हैं। कई बार कुछ चीज़ें विज्ञान से भी परे लगती हैं, लेकिन इंसान उसे खोजने की कोशिश में जुटा रहता है। हम हिमालय पर्वत की ही बात करें तो ये किसी रहस्य के भंडार से कम नहीं। हिंदू धर्म में तो हिमालय से जुड़ी कई मान्यताएँ मौजूद हैं। हिमालय की इन्हीं वादियों में मौजूद है ज्ञानगंज मठ का भी रहस्य। ऐसी मान्यता है कि ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध आत्माओं को ही जगह मिलती हैं और कोई भी आम इंसान वहां नहीं पहुंच सकता। हिमालय में तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मौजूद इस जगह को सांग्रीला, संभाला और सिद्ध आश्रम भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है और उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। दरअसल ऐसी मान्यता है कि यहाँ पहुँची वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाता है। इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं रहता, इसलिए वहाँ मन के विचार की शक्ति सहित शारीरिक क्षमताएं और मानसिक चेतना बहुत बढ़ जाती है। एक खास बात ये भी है कि ज्ञानगंज मठ असल में कहाँ है इसकी जानकारी ठीक ठीक किसी को नहीं है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि तिब्बत में और बौद्ध भिक्षुओं में भी इसे लेकर खूब बातें होती हैं। मान्यता तो ये भी है कि सिद्ध बौद्ध भिक्षु यहाँ पहुँचने में कामयाब रहते हैं, लेकिन किसी को यहाँ का साफ साफ रास्ता नहीं पता। इस ज्ञानगंज मठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। कई लोगों ने अपनी किताबों में इस रहस्यमय घाटी का जिक्र किया है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरे लोक से है। कहते तो ये भी हैं कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। इस सिद्ध श्रम या मठ का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। अंग्रेज लेख जेम्स हिल्टन ने भी अपने उपन्यास लास्ट होराइजन में इस जगह का जिक्र किया है। ज्ञानगंज मठ केवल कल्पना है या फिर वाकई ऐसी कोई जगह है, इसे लेकर अब भी कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है। स्थानीय लोक कहानियों में भले ही इसका जिक्र होता रहा है, लेकिन कई सिद्ध पुरुषों ने ये दावा भी किया है कि वे उस जगह पर जा भी चुके हैं। इस जगह को लेकर एक अंग्रेज कर्नल एलपी फेरल की बात भी सामने आती है। फेरल ब्रिटिश शासन में हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में तैनात थे और उन्होंने यहाँ कुछ अजीबोगरीब अनुभव भी किया, जिसका जिक्र उन्होंने बाद में पत्रकारों से किया था। तो दोस्तों, ये था हमारा भारत का हिमालय पर्वत और हिमालय श्रृंखला, जो आज भी बहुत सारी ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ों से भरी पड़ी है जो किसी आम आदमी की समझ में नहीं आ सकती। दोस्तों, हिमालय शुरू से ही हिंदू धर्म में बहुत ही गुप्त जगह रहा है। यहाँ पर शिव शंभु निवास करते हैं और बहुत सारी मान्यताएं हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो था, यह आपको कैसा लगा हमें बताएं। लाइक करें हमारे इस वीडियो को, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।